जय हिंद। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट वन वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने से पहले उस पार्ट वन वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, पहले वाले पार्ट में हमने बताया था कि मुख से लेकर एनस तक, लेटरिन के रास्ते तक, मतलब मुख से लेकर लेटरिन के रास्ते तक एक पाइप गया हुआ है जिसमें सारा का सारा भोजन पचता है। उसमें कई पार्ट होते हैं। मैंने पहला पार्ट बक्कल कैविटी बताया था, बक्कल कैविटी को हमने पढ़ा दिया था, फिर दूसरा पार्ट को भी ओसोफेगस, उसको भी पढ़ा दिया था, और उसके तीसरे पास स्टमक, जो पेट के अंदर का पेट होता है उसको हम स्टमक बोलते हैं, इतना हमने पढ़ा दिया था। जो हमने मुँह में भोजन डाला और उसको चबा कर, काट कर, कूच कर, या जब कंकड़ आ जाता है और उसको हम लोग थूकते हैं तो वो बोलस का रूप ले लेता है। वो भोजन किसके रूप में हो गया? बोलस का। मतलब जब वो भोजन पेट में आता है तो बोलस के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? बोलस के। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है, बोलस के रूप में आता है। अब वो बोलस पेट में से जब बाहर जाता है तो काइम का रूप ले लेता है। बाहर जाने का मतलब, अब पेट के बाद कौन से भाग में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाएगा भोजन। तो जब छोटी आंत में जाएगा तो काइम का रूप ले लेता है। जो हम उल्टी करते हैं तो काइम रहता है, काइम। वो कौन सा भोजन रहता है? काइम। टेक्निकल नाम उस भोजन का क्या हो जाता है? काइम। और जब मुंह में उसको पूछते हैं और कंकड़ आने पर थूकते हैं तो बोलस। बोलस था, पेट में गया तो बोलस था, और पेट से जब छोटी आंत में जाने वाला है तो काइम हो गया है। छोटी आंत में क्या जाएगा? काइम जाएगा। अब आगे हम देखते हैं। देखिए, अब छोटी आंत क्या है? तीन प्रकार का है। एक इस वाले भाग को हम बोलेंगे ड्यूडेनम, इस वाले भाग को हम बोलेंगे जेजुनम, और इस वाले भाग को बोलेंगे इलियम। अब छोटी आंत का एक कंडीशन है, छोटी आंत कहता है कि मैं उसी भोजन को लूँगा जो क्षारी होगा। आपको याद होगा कि जब हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, जब इसमें भोजन आता है तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जब इसमें एसिड मिल गया तो वो भोजन एसिडिक बन गया, तो मतलब वो भोजन अब क्या करेगा? छोटी आंत क्या कह रहा है? छोटी आंत कह रहा है कि मैं उसी भोजन को लूँगा जो क्षारी होगा, बेस होगा जिसमें। अब पेट में जो भोजन था स्टमक के अंदर, वो तो अम्ली हो गया है। अब वो कैसे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो स्मॉल इंटेस्ट में जाने के लिए भगवान कोई ना कोई व्यवस्था बनाया होगा। तो इसके लिए उन्होंने जो इंटेस्टाइन का पहला भाग है ड्यूडेनम, उसमें दो तरह का हार्मोन्स रखा हुआ है, कोलीसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। कोलीसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। अब कोलीसिस्टोकाइनिन क्या करता है? लीवर को ऑर्डर करता है, आप क्या करिए, बाइल जूस बनाइए। बाइल जूस क्या होता है? क्षारी होता है। वही बाइल जूस जाके भोजन में मिलेगा जिससे एसिड वाला जो भोजन, वो क्षारी हो जाएगा। देखिए कैसा सिस्टम बनाया गया है, भगवान कितना होशियार था। वो जानता था कि आंत जो क्षारी अम्ली भोजन लेगा नहीं, उसको क्षारी बनाना है, तो इसलिए उन्होंने हार्मोन्स बनाया। अब हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स वो होता है, जैसे मैंने बताया एंजाइम क्या होता है। एंजाइम हमने बताया था कि जिस तरह से किसी मशीन को चलाने के लिए, या गाड़ी के चक्कों को चलाने के लिए, या उसके इंजन को चलाने के लिए मोबिल डाला जाता है जैसे वो स्मूथली चल सके, इसी तरह भोजन को पचाने के लिए एंजाइम डाला जाता है जिससे भोजन अच्छे से पच सके। उसी तरह जो गियर होता है गाड़ी को चलने का, स्पीड बढ़ाने का, रोकने का, गियर जो होता है, गियर का काम कौन करता है? हार्मोन्स करता है। अब हार्मोन्स क्या करता है? कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स क्या करता है? इसको ऑर्डर कर देता है। जब आप खाना खाइएगा तो बाइल जूस को ऑर्डर कर देगा कि अब आप अपना बाइल जूस बनाइए। बाइल जूस बनाकर वो गॉल ब्लेडर में स्टोर कर देता है। अब गॉल ब्लेडर में जब स्टोर हो जाता है, जब ये भोजन आता है तो अम्ली रहता है, और बाइल जूस उसमें मिल जाता है तो वो क्षारी बन जाता है भोजन। अब जब क्षारी भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, तो इस छोटी आंत में जो भोजन आता है, जब वो क्षारी बन जाता है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेता है। अब देखिए, छोटी जो बाइल जूस है वो सिर्फ भोजन को क्षारी नहीं बनाता है, वो फैट को ग्लिसरोल में तोड़ देता है, और ग्लिसरोल और फैटी एसिड में तोड़ देता है, फैटी एसिड में तोड़ देता है, और फैट को
ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में तोड़ने को एमाइलिफिकेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एमाइलिफिकेशन बोलते हैं। अब देखिए बाइल जूस जो है कभी कभी क्या होता है कि एक गॉल ब्लेडर में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है। अब क्या है, पथरी हो जाता है तो डॉक्टर लोग इसको काट के निकाल लेते हैं, तब ये डायरेक्ट क्या है इसमें हमेशा इसको छोड़, बाइल जूस जो है डायरेक्ट जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलने रहता है। तो इसीलिए उन जो जिनका गॉल ब्लेडर में पथरी हो जाता है और डॉक्टर उसको निकाल लेता है तो उनमें कब्ज वगैरह ये सब की ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए उनको एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इसी समय पे खाना खाइएगा, तो ये हैबिचुअल हो जाता है लीवर कि अब जैसे सुबह 8 बजे अगर डेली आप खाना खा रहे हैं तो जान जाएगा कि अब खाने का समय हो गया है, इसी समय हमको बाइल जूस छोड़ना है। तो इसीलिए देखते होंगे जिसका बाइल गॉल ब्लेडर काट के निकाल दिया जाता है, जहाँ बाइल जूस स्टोर हो रहा था, जिसको पित्त बोलते हैं हिंदी में, स्टोर हो रहा था, उसको काट के निकाल दिया जाता है, तो वो अपना भोजन समय समय से करते हैं, जिससे लीवर समय समय से उसमें बाइल जूस मिला देता है। अब देखिए, अब इसको तो छारी बना दिया, लेकिन पचाने के लिए भी भगवान कोई व्यवस्था किया होगा ना। तो एक लीवर एक ग्लैंड था जो बाइल जूस बना रहा था, इधर देखिए अग्नाशय जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। हमने बताया था ग्लैंड क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं। अब लीवर ही एक ऐसा है जो बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस ही एक ऐसा, पूछेगा कौन ऐसा पदार्थ है जो एंजाइम न रहते हुए भी पाचन का काम करता है, तो बाइल जूस है। बाइल जूस किस ग्लैंड से निकलता है? लीवर ग्लैंड से निकलता है। जब मैं ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो लीवर के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में और विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपको शॉर्ट में जानना है कि लीवर बाइल जूस बनाता है और पेनक्रियाज क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। कौन कौन से एंजाइम बनाता है? तो उसको शॉर्ट कट में लेट बोलते हैं, लेट। अब लेट को फुल फॉर्म करेंगे तो एल से हो जाएगा लाइपेज नाम का एंजाइम बनाता है, ए से हो जाएगा एमाइलेज नाम का एंजाइम बनाता है, टी से ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम बनाता है। अब लाइपेज क्या करता है? फैट को तोड़ता है, पचाता है। लाइपेज नाम का एंजाइम क्या करता है? फैट को पचाता है। एमाइलेज नाम का एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। अब जो पहला वाला वीडियो देखा होगा वो कहा सोचेगा कि सर स्टार्च तो मुंह में ही पच गया था, टाइलिन ने स्टार्च, टाइलिन नाम का एंजाइम ने स्टार्च को मुंह में पचाया था। देखिए मुंह में ज़्यादा देर तक भोजन नहीं रहता है, जब वो पेट में जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता है, वो क्या करता है टाइलिन के प्रभाव को खत्म कर देता है, जिससे स्टार्च अच्छी तरह से पेट में नहीं पच पाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने टाइलिन नाम के एंजाइम को के प्रभाव को खत्म कर दिया, जिसके वजह से स्टार्च को एमाइलेज पचाता है पूर्ण रूप से। अब ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन का भाग होता है पेप्टोन, अब उसको पेप्टाइड में बदल देता है तोड़कर। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब ये प्रोटीन पेट में आता है तो पेप्टीन नाम का एक एंजाइम रहता है, पेप्टीन। पेप्टीन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। जो पेट में पेप्टीन नाम का एंजाइम था वो प्रोटीन को किस में तोड़ दिया? पेप्टोन में। अब पेप्टोन को ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम पेप्टाइड में तोड़ दिया। याद रखिएगा ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन नाम के एंजाइम को पेप्टाइड में तोड़ देता है। अब यहाँ इसका कार्य तो हो गया। अब देखिए जेजुनम, जेजुनम क्या करता है? जो यहाँ पर कई सारे एंजाइम मिले हैं, यहाँ पर बाइल्स मिला है बहुत ज़्यादा, इसको मिलना है आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो जेजुनम इसको फैलने के लिए जगह दे देता है कि फैल के अच्छे से मिल जाए, जितने भी बाइल्स एंजाइम आपके लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन बाइल जूस जो भोजन में मिले हैं वो अच्छी तरह से मिलने के लिए जेजुनम क्या करता है? उसको जगह दे देता है, तो अच्छी तरह से इसमें जो जूस निकले हैं और जो एंजाइम है वो अच्छी तरह से जेजुनम वाले जो दूसरा वाला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम, उसमें अच्छी तरह से एंजाइम वगैरह और बाइल जूस वगैरह मिल जाते हैं। अब देखिए इलियम में क्या होता है? इलियम ही छोटी आंत का ऐसा भाग है जहाँ पर पाचन का भी कार्य होता है और उसको सोखने का, एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। अब देखिए यहाँ पर इरिप्सिन नाम का छोटी आंत में एंजाइम निकलता है। इरिप्सिन नाम का एंजाइम क्या करता है? पेप्टाइड, यहाँ पर देखिए पेप्टाइड बना हुआ था ना, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला था, प्रोटीन पहले प्रोटीन था, प्रोटीन को पेप्टीन नाम के एंजाइम ने पेप्टोन में बदला,
अब पेप्टोन को ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम ने पेप्टाइड में बदला। अब छोटी इलियम वाले इलियम में जो एंजाइम निकलता है वो रेप्सिन है, अब वो पेप्टाइड को किस में तोड़ दिया, अमीनो एसिड में तोड़ दिया। अब अमीनो एसिड को विली जो उंगली नाम की ऐसे संरचना है, उंगली की तरह यहाँ पर संरचना दिख रहा होगा आपको, वो उसको विली बोलते हैं। वो क्या करता है, विली या विलाई बहुत लोग बोलते हैं, विली क्या करता है, जो भोजन पच जाता है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए मैंने कहा था कि छोटी इलियम में, छोटी आंत में भोजन का पचने का और एब्जॉर्प्शन का दोनों काम होता है। तीसरे वाले भाग में स्मॉल इंटेस्टाइन के, छोटी आंत के तीसरे वाले भाग इलियम में दोनों काम होता है, पचने वाला भी काम होता है और पच कर उसको अच्छी तरह से सोखने वाला भी काम। कौन करता है सोखने वाला काम, विलाई करता है, विली। अब देखिए, अब इसमें जो है कई तरह के एंजाइम निकलते हैं, छोटी आंत में जितने भी तरह के एंजाइम निकलते हैं उसको सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। सब क्या बोलेंगे, सक्कस इंट्रिकस बोलेंगे। आंत में जितने भी प्रकार के एंजाइम निकलेंगे उनको बोलेंगे सक्कस इंट्रिकस। अब देखिए, ये जो माल्टेज है, सुक्रेज है, लेक्टेज है, इसको माल्टोज नाम का, सुक्रोज नाम का और लेक्टोज नाम के एंजाइम तोड़ता है। अब आप सोच कहिएगा सर ये माल्टेज, सुक्रोज और लेक्टोज क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। जब मैं आपको विटामिन का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट विस्तृत रूप में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप जान लीजिए, माल्टेज को माल्टोज नाम का एंजाइम तोड़ता है, सुक्रोज का सुक्रोज नाम का एंजाइम तोड़ता है, लेक्टेज को लेक्टोज नाम का एंजाइम तोड़ता है। अब जितने भी एंजाइम छोटी आंत में निकलते हैं उनको एक भाषा में सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। अब देखिए, पचने का काम भी इलियम में हुआ और सूखने का भी काम, एब्जॉर्प्शन का भी काम विली ने उसको कर दिया। अब आप ध्यान रखिएगा कि भोजन में पानी भी होता है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं पढ़ाया गया कि पानी का क्या हुआ। अब पानी का बड़ी आंत में हम पढ़ेंगे कि बड़ी आंत में पानी का क्या होता है। उससे पहले आप जान लीजिए कि जब भोजन आया था पेट में तो बोलस के रूप में आया था, फिर बोलस जब छोटी आंत में गया था तो काइम के रूप में गया था। अब वो काइम जो है जब बड़ी आंत में जाएगा तो काइल का रूप ले लिया है, काइल। काइल का रूप कौन ले लिया है, भोजन। उसको आगे देखते हैं काइल का फिर क्या होता है। अब देखिए, अब ये हो गया बड़ी आंत। छोटी आंत में हमने सब कुछ देख लिया, बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बड़ी आंत में जो ये नीचे का ऐसा हिस्सा होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है, अब इस ये हमारे में किसी भी चीज़ के लिए काम में नहीं आता है, ये उन जानवरों में काम में आता है जो ये घास वगैरह खाते हैं, पत्ता वगैरह खाते हैं, उनके काम में आता था। तो पहले जब हम लोग आदिमानव थे तो हम लोग भी घास वगैरह खाते थे, तो उसको पचाने में अपेंडिक्स काम करता था। लेकिन अब हम लोग घास वगैरह नहीं खाते हैं, अब साग थोड़ा बहुत खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में खाते हैं, तो अपेंडिक्स की ज़रूरत अब हम लोगों में नहीं है। तो अपेंडिक्स क्या है, हम लोगों में इसका कोई उपयोग अब नहीं है। अब देखिए, ये जो ऊपर इस तरह से गया हुआ है बड़ी आंत, बड़ी आंत को हम टेक्निकल भाषा में कोलोन बोलते हैं। बड़ी आंत को टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, कोलोन बोलेंगे। अब कोलोन जो ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। क्षैतिज तिरछा जाता है तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। क्षैतिज को क्या बोलेंगे, तिरछे को ट्रांसवर्स कोलोन बोलेंगे। और जब नीचे आता है तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, नीचे आता है तो क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। अब नीचे के बाद कोई भी चीज़ जब हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, तो इसे सिग्मोइड बोलते हैं, सिग्मोइड। अब देखिए, ये जो आधा देखिए यहाँ पूरा नहीं आया हुआ है, सिर्फ आधा आया हुआ है, इसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। अब सिग्मोइड कोलोन, अब इसमें होता क्या है कि जो भोजन था अब छोटी आंत में से निकल कर किस में आया, अब ये काइल का रूप ले लिया है। अब हमने बताया था कि पानी जो है
अब पानी का क्या हुआ, तो पानी का सोखने का काम ही, इसमें कोई पाचन का काम नहीं होता है, सारा पाचन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, छोटी आंत में। इसमें सिर्फ काम क्या है, पानी सोखने का काम होता है। बड़ी आंत का क्या मेन काम है, पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जब ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो लूज मोशन होने लगता है, पेट जो है लैट्रिन जो है वो पतला होने लगता है। क्यों पतला होने लगता है, कि पानी सूखा नहीं है और लैट्रिन पानी की तरह ही होने लगता है, तो लोग बोलते हैं लूज मोशन हो गया है। और डायरिया नाम की बीमारी में ये पानी को सोखना बंद कर देता है, डायरिया नाम की बीमारी में जो बड़ी आंत है वो पानी को सोखना बंद कर देता है। तो जो भोजन है, जो अब काइल का रूप ले लिया है, वो क्या करता है, वो लूज मोशन होने लगता है डायरिया में, जब ये पानी नहीं सोखता है तो। अब देखिए, और अब जब ये पानी सोख लेता है तो जो अब ये काइल का रूप ले लिया है, जो आपका भोजन था वो काइल का रूप ले लिया है, तो काइल क्या होता है, यहाँ पर आकर स्टोर होता है रेक्टम में। अब रेक्टम में से लैट्रिन के रास्ते, एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब इसको स्मूथ बनाने के लिए, कि आराम से बाहर निकल जाए, म्यूकोसा नाम का एंजाइम इसमें थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब देखिए जो लीवर है, लीवर बिलरुबिन नाम का जूस छोड़ता है। वो क्या करता है, ये जो अपचित भोजन है जो काइल का रूप ले लिया है उसको पीला रंग प्रदान करता है, उसको क्या करता है, पीला रंग प्रदान करता है। कभी कभी लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा बिलरुबिन छोड़ देता है। अब बिलरुबिन का काम है पीला करना, तो क्या करता है, पूरी बॉडी को ही पीला कर देता है। तो जिसको लोग बोलते हैं इसको पीलिया हो गया है, जॉइंडिस हो गया है, तो बिलरुबिन का ज़्यादा निकल जाने से भी बीमारी होने लगती है, और बिलरुबिन की वजह से ही लैट्रिन जो है वो पीला होता है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो काइल है, काइल कहाँ पर आके स्टोर होता है, रेक्टम में, इसको मलाशय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मलाशय, यहाँ पर स्टोर होता है। और ज़्यादा अगर कुछ ज़्यादा दिन तक स्टोर, बहुत लोग होते हैं लैट्रिन एक दिन दो दो तीन तीन दिन पर जाते हैं, तो ज़्यादा रुकने से अगल बगल की जो इसका अंदर का भाग है वो सड़ने लगता है, तब लैट्रिन करने पे ब्लड भी साथ में आने लगता है, तो इसको पाइल्स बोलते हैं, कि बहुत लोगों को पाइल्स नाम की बीमारी हो जाती है। तो जो लैट्रिन को रोक के रखता है तो अगल बगल की जो स्किन हो सड़ने लगता है, जिसके वजह से पाइल्स नाम की बीमारी हो जाती है। तो जो लैट्रिन है वो कहाँ पर स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है। अब देखिए छोटी आंत में जब भोजन पूरी तरह से पच गया, तो जो अपचित भोजन है वो लैट्रिन का ही रूप ले लेता है, जिसको टेक्निकल नाम में या बायोलॉजिकल नाम में काइल बोलते हैं, काइल याद रखें। अब काइल जो है यहाँ पर आकर स्टोर होता है, और ज़्यादा दिन तक स्टोर रहता है तो चमड़े को ख़राब करने लगता है, जिससे पाइल्स नाम की बीमारी हो जाती है, और ये एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है लैट्रिन के रास्ते। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डाइजेशन प्रोटीन का जो होता है बहुत, वो सबसे जटिल होता है, कठिन होता है। तो हमने प्रोटीन को पेप्सिन नाम के एंजाइम से पेप्टोन में तोड़ा था, फिर पेप्टोन को ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम से पेप्टाइड में तोड़ा था, फिर पेप्टाइड को इरेप्सिन नाम के एंजाइम से अमीनो एसिड में तोड़ा था। जब पेप्टोन टूटा था तो पेट में टूटा था, पेप्टाइड टूटा था, तो ये छोटी आंत के पहले भाग ड्यूडेनम, ये टूटा था पेनक्रियाज में से निकला था, छोटी आंत में ये टूटा था। ट्रिप्सिन कहाँ से निकला था, पेनक्रियाज में से निकला था, अग्नाशय से, और पेप्टाइड उसको, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ दिया था। अब इलियम जो तीसरा वाला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें से इरेप्सिन निकला था, जो अमीनो एसिड में, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ दिया था। अब देखिए स्टेज ऑफ डाइजेशन क्या होता है, पाचन के चरण क्या होते हैं। पाचन जो है वो पांच तरह से होते हैं। जब हम भोजन को खाते हैं तो उसे बोलते हैं इंजेशन,
जब हम भोजन को खाते हैं तो उसे बोलते हैं इंजेशन। अब जब भोजन को हम पचाते हैं, जब वो पचता है तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। और जब उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, जब भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जब एब्जॉर्ब करके उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है तो उसको बोलते हैं असिमिलेशन। अब जब लैट्रिन के रास्ते उसको बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो पांच चरण में पाचन का काम होता है, स्टेज ऑफ डाइजेशन, फाइव स्टेज में पाचन का काम होता है। इसको लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए, इसको भी याद रखिएगा, फूड जो है मुंह में बोलस कर कूचने के बाद, काट चबाने के बाद बोलस का रूप ले लेता है। अब जब बोलस ही पेट में जाता है, अब पेट में से जब वो बोलस बाहर निकलता है तो काइम का रूप ले लेता है। काइम ही काइम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से जब बाहर निकलता है बड़ी आंत में जाने के लिए तो काइल का रूप ले लेता है। इतना याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।